राम प्रसाद विस्मिल जो गोरखपुर की जेल में थे। जेलर आश्चर्यचकित रहता था कि भाई इनके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है, ये जेल में बंद है उसके बाद भी इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो तेज है, वो कम नहीं होता। और तो और जेल में भी उनका व्यायाम रुकता नहीं था, उनकी दंड बैठक पूरी चलती थी। उनको ये था ही नहीं कि मैं जेल में हूं, उनको लगता था माँ भारती की आरती उतारने के लिए मैं यहां पर तपस्या कर रहा हूं। तो जेलर ने एक दिन पूछ लिया कि एक बात बताओ, तुम पागल हो क्या? ऐसा ही लगता है। और जो देश के लिए कुछ करे, जो समाज राष्ट्र के लिए कुछ करे, तो लोगों को वो पागल ही लगते हैं, क्योंकि समझदार तो वो हैं जो अपनी तिजोरी भरते हैं, समझदार तो वो हैं जो केवल अपने लिए ही सोचते हैं, समझदार तो वो हैं जो मैं और मेरे दो बच्चे इन्हीं में जीवन है, वो तो पागल ही लगते हैं जो देश और धर्म के लिए कुछ करते हैं। जेलर ने कहा कि तुम पागल हो क्या, पागल हो गए हो, और तुम्हें मिलता क्या है? देश के लिए मरकर कुछ दिनों में मर जाओगे, चले जाओगे, क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारे पास जवानी है तो इसको जियो आनंद से, क्यों नहीं जी रहे हो? तो मानो कुछ इस तरह जैसे हम कहते हैं वो शब्द ऐसे कहे होंगे उन्होंने उस समय कि इन दिमागों में भरे। हमसे भी कहते हैं लोग तो हम भी यही कह देते, जब हम भी कुछ बात देश की करते हैं, परिवर्तन की करते, तो कहते हैं पागल तो नहीं हो, तो हम भी कहते हैं कि इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हम तो पागल ही अच्छे। तो रामप्रसाद विस्मिल भी कहते हैं कि तुम्हें बताऊं कि हमें क्या मिलता है या क्या मिलेगा, ये तुम जान नहीं पाओगे, अगर जानना है तो मेरी जगह आओ। तुम जान नहीं पाओगे और फिर भी इच्छा रखते हो तो मैं बताता हूं कि देश पर मरने के बाद मिलता क्या है। तो रामप्रसाद विस्मिल बहुत बड़े शायर थे और उनकी शेरो शायरी तो आपने पढ़ी होंगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? कुछ पढ़ा हो न पढ़ा हो, ये तो पढ़ा होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुहब्बा ने वतन होंगे हजारों बेवतन पहले, और फलेगा इंडिया पीछे भरेगा अंडमान पहले, मुसीबत आ कयामत आ यहाँ जंजीरों जिंदा है, यहाँ तैयार बैठे हैं गरीबाने वतन पहले, और इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे और जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, वो भी दिन होगा। इसके लिए मरते हैं। और जेलर तुम्हें बता देते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो वो शेरों शायरी में ही अपनी बात रखा करते थे ज्यादातर। तो उन्होंने कहा कि जेलर मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, और मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, और इन्हीं आंखों से देखना जालिम मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से। आप सौभाग्यशाली हो जो इस धरती पर हो, जिस धरती पर राम प्रसाद विस्मिल की समाधि है, पर मुझे कष्ट होता है कि उनकी समाधि पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। ये हिंदू यही जाते हैं वहां? आप समाधि पर जाने में शर्माते हो, सकुचाते हो? वहां एक दीपक जलाने में जाता क्या है तुम्हारा? शायद तुम्हारे मन की लौ भी जग जाए, वहां कुछ ऐसी पुण्य स्थली है, वो जाओ, ऐसी स्थल पर जाओ।